एक कलयुग है, इस समय ऐसा है, इसमें कोई किसी का नहीं भोगता, कोई ना काहू सुख दुख कर दाता, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। तो बोले कहां मिलता है, बोले जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। एक सतयुग था जब एक व्यक्ति करता था, पूरा गांव भोगता था, नगर भोगता था। त्रेता आया, एक व्यक्ति करता था, उसका पूरा कुटुंब भोगता था। द्वापर आया, एक व्यक्ति ने किया, उसके परिवार ने भोगा। कलयुग आया, जो जस कर रहे सो तस फल जाए। यहां कोई किसी का नहीं है प्यार, सब मतलब यहां कोई किसी का दुख सुख नहीं बांट सकता, कोई किसी का कर्म नहीं बांट सकता। वाल्मीकि जी लुटेरे थे, वो वाल्मीकि जी से जब सप्तऋषियों को लूटा तो सब वाल्मीकि जी ने एक ही बात कही थी। वाल्मीकि जी से सप्तऋषियों ने, वो महात्माओं ने कहा कि एक काम करो, लूट ले जाओ, जो तुम चाहते हो छोटा लोटा कमंडल ले जाओ, लेकिन मुझे एक बात बताओ हमको। बोले क्या? बोले जो तुम पाप कर रहे हो उसको कौन भोगेगा? भोगना तो पड़ेगा ना। कौन भोगेगा इसको? आज भी जो तुम कर रहे हो, थोड़ा रात को जब सोया करे ना, एक दो मिनट के लिए आंखें बंद करके ये भी सोच लिया करे कि मैं दिन में पाप कितने किए, और किए तो इनको कौन भोगेगा? भोगना पड़ेगा। अर्जुन, भगवान कन्हैया ने कहा एक कांटा भी उसको पीड़ा नहीं दे सकता अगर उसके कर्म खराब नहीं है तो। अगर कर्म खराब है तो एक ही कांटा तो उसको मौत तक ले जाएगा। यहाँ कोई नहीं भोगता। आत्मादेव ब्राह्मण यही कह के तसल्ली पकड़ देते हैं, कोई बात नहीं धुंधली, अब जो होगा तू करेगी तो तुझे मिलेगा, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। अगर तू पत्नी धर्म से दूर हो रही है तो ये कोई और नहीं भोगेगा, तू भोगेगी, और मैं अपने धर्म से दूर होऊंगा तो मैं भोगूंगा।